अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। हमको अपने कुल का, अपने वंशावली का भी ध्यान रहना चाहिए। अगर मनुष्य को अपने वंशावली का ध्यान रहे तो कभी वो दुष्कृत्य करेगा ही नहीं। अगर कर रहा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम किनके बेटे हो, सावधान हो जाएगा। कई कर्म ऐसे होते हैं जो अमुक कुल वाले ही कर सकते हैं। हमने एक कथा पढ़ी थी जब छोटे थे, एक शेरनी ने किसी गीदड़ी का शिकार किया, उसका आहार कर गई, उसका एक छोटा सा बच्चा देखा तो सिंघनी के मन में दया आ गई, अरे इस बेचारे का क्या अपराध है, इसकी मां को मैं खा गई, इसका पालन कौन करेगा, और उस गीदड़ी के बच्चे को वो सिंघनी ले आई। जैसे बिल्ली, बिल्ली और सिंघनी एक ही प्रजाति के, और आया उसने अपना दूध पिला करके और उस गीदड़ी के बच्चे को बड़ा किया। इधर सिंघनी के भी बच्चे हुए, वो भी साथ साथ बढ़ते गए बढ़ते गए, गीदड़ी का बच्चा बड़ा और वो छोटा, उसके बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन ये अपने बड़े भाई साहब के साथ, गीदड़ी के बच्चे के साथ और ये सिंघनी के बच्चे गए, एक हाथी दिखाई पड़ा उसकी, वो देख लपक गई उसको, तो गीदड़ी, अरे क्या कर रहा है, देख कितना बड़ा है, काला काला पहाड़ जैसा, तू जा कहाँ रहा है, और वो जबरदस्ती जाने लग गए तो बड़े भाई साहब का वीटो करके और उनको वापस लाया और सिंघनी से आके कहता, मां देखो आज ये कितनी मूर्खता करने जा रहे थे। क्या हुआ बेटा? अरे काला काला, इतनी लंबी नाक वाला, इतने मोटे पेट वाला, खंबे के जैसे पैर वाला जानवर आ रहा था, ये पिद्दी पिद्दी से जैसे, और उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ा था, मैं बड़ी मुश्किल से लौटाल करके लाया। सिंघनी ने सोचा, दया तो हमने बहुत की लेकिन बड़ी हानिकर हो रही है। एकांत में उस बच्चे को, गीदड़ी के बच्चे को लेके और कहती, देखो बेटा, सिंघनी सोचा तो हमारे बच्चों को भी नपुंसक कर देगा, गीदड़ बना देगा, सिंघनी का दूध पिया हुआ और गीदड़ का गीदड़ ही रहा। अब बड़े हो गए हो, और मैं तुमको बता देती हूं, तुम बहुत सयाने हो, बड़े सुंदर भी लग रहे हो, लेकिन अब तुम हमारे पास मत रहो। उन्हें क्यों? तो माता ने, सिंघनी ने कहा, यस्मिन कुले तुम उत्पन्ना तस्मिन गजा नहन्य थे। देखो आज मैं तुमको बताती हूं, मैं सिंघनी हूं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक गीदड़ी के बच्चे हो। तुम्हारी मां को मैं खा गई थी, तुम उसमें दूध मुहे बच्चे थे, तुम्हें देख के मुझे दया आ गई थी, मैं ले आई थी, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, बच्चे की तरह पाला, लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो, गीदड़ी के पुत्र हो, तुम गीदड़ी के जैसे ही आचरण करोगे, मेरा सिंघनी का दूध पी करके भी तुम गीदड़ के गीदड़ ही रहे, इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ। ये जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये सिंह वंश में पैदा हुए हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी जींस जींस तो शायद वो नहीं बोली होगी, हम आपको समझाने के लिए कह देते। कुछ लोगों के स्वाभाविक ही धर्म होते जींस में होता है, और इसीलिए अब तो शास्त्र की चीजों को समझाना बहुत आसान हो गया है। हमारे शास्त्र में कहा है, अमुक वर्ग वाला अगर अध्यापक बनेगा तो सफल होगा, अमुक वर्ग वाला अगर सैनिक बनेगा तो सफल होगा, अमुक वर्ग वाला अगर व्यापारी बनेगा तो अधिक सफल होगा, अमुक वर्ग वाला अगर हुनर कोई करेगा तो अधिक सफल होगा। ये हमारे शास्त्रों ने देखा है कि पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण ये आत्मा उसी शरीर में उत्पन्न होती है जहां उन कर्मों का फल का परिपाक सुविधा से हो सके। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने कई बार ये कहा कि जिसकी जिस तरह की प्रवृत्ति है उस तरह देख करके उसके कर्म में उसका विनियोग करना चाहिए। तुम गीदड़ी के बच्चे हो, तुम्हारे यहां हाथी नहीं मारे जाते हैं,
ये सिंघनी के बच्चे हैं, ये तो हाथी के ऊपर चढ़ करके और उसका मस्तिष्क फाड़ करके उसका आहार कर ले। अपने कुल का, अपनी परंपरा का ध्यान करो। ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरी वंश के अनुकूल है कि नहीं, ये कहीं मेरे माता पिता के नाम के ऊपर बट्टा तो नहीं लगाएगा। सदगुरु आदेश देते हैं कि देखो तुम्हारी किसी क्रिया से इस वेश के ऊपर लज्जा नहीं आनी।